नमस्कार, स्वागत है। आप देख रहे हैं नेक्स्ट नाइन स्पिरिचुअल। मैं हूं आकाश देव शर्मा। नेक्स्ट नाइन स्पिरिचुअल के खास प्रोग्राम में आज हम आपको बताएंगे वाराणसी के काशी विश्वनाथ मंदिर के बारे में। वाराणसी में स्थित काशी विश्वनाथ मंदिर भारत के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। अगर आप अभी तक वहाँ नहीं गए हैं तो आपको वहाँ जाना चाहिए, क्योंकि वहाँ की मान्यता है कि इस मंदिर के दर्शन करने से, पवित्र गंगा में स्नान करने से मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। काशी विश्वनाथ मंदिर का हिंदू धर्म में एक प्रमुख स्थान है। महाशिवरात्रि की रात को वहां के कई मंदिरों से भव्य शोभा यात्रा ढोल नगाड़ों के साथ बाबा विश्वनाथ जी के मंदिर तक जाती है और शिवरात्रि के समय में वहां का माहौल देखने लायक होता है। तो आइए जानते हैं बाबा विश्वनाथ की महिमा और उनके इतिहास के बारे में। भगवान शिव का नाम लेने से इंसान जन्म और मृत्यु के चंगुल से आजाद होकर मोक्ष को प्राप्त हो जाता है। हिंदू धर्म में मोक्ष का प्रमुख स्थान है और इसे पाने के लिए बड़ी संख्या में लोग तीर्थ स्थानों पर आते हैं, लेकिन सभी तीर्थों में शिव की नगरी काशी का बड़ा महत्वपूर्ण स्थान है, क्योंकि यहाँ शिव विश्वनाथ रूप में भक्तों के कष्ट को दूर करते हैं। काशी विश्वनाथ के बारे में कहा जाता है कि जब पृथ्वी का निर्माण हुआ था तब प्रकाश की पहली किरण काशी की धरती पर पड़ी थी और तभी से काशी ज्ञान तथा आध्यात्म का केंद्र माना जाने लगा। ये भी माना जाता है कि भगवान शिव इस स्थान पर आए थे और कुछ समय तक काशी में निवास किया था और ब्रह्मा जी ने उनका स्वागत 10 घोड़ों के रथ को दशाश्वमेध घाट पर भेज कर किया था। गंगा के किनारे विश्वनाथ गली में स्थित विश्वनाथ मंदिर कई मंदिरों और पीठों से घिरा हुआ है और यहाँ पर एक कुआं भी स्थित है जिसे ज्ञानवापी कहा जाता है। ऐसा माना जाता है कि ये मंदिर ऐतिहासिक काल में भी बना हुआ था और सन 1776 में इंदौर की महारानी अहिल्याबाई ने इस मंदिर के पुनर्निर्माण के लिए काफी धनराशि प्रदान की थी। लाहौर के महाराजा रंजीत सिंह ने इस मंदिर के पुनर्निर्माण के लिए 1000 किलो सोने का दान दिया था। हिंदू धर्म में कहते हैं कि भगवान शिव ने काशी नगरी को अपने त्रिशूल पर धारण किया है। जिस जगह पर विश्वनाथ जी का ज्योतिर्लिंग स्थापित है वो जगह कभी खत्म नहीं होती है और जैसे की तैसे बनी रहती है। कहा जाता है जो श्रद्धालु इस नगरी में आकर भगवान शिव की पूजा और दर्शन करता है उसको समस्त पापों से मुक्ति मिल जाती है। काशी विश्वनाथ ज्योतिर्लिंग के बारे में कई कथाएं प्रचलित हैं, जिनमें से एक कथा के अनुसार जब भगवान शंकर पार्वती जी से विवाह करने के बाद कैलाश पर्वत रहने लगे थे तब पार्वती जी इस बात से नाराज रहने लगी और उन्होंने अपने मन की इच्छा भगवान शिव के सामने जाहिर कर दी। तब भगवान शिव कैलाश पर्वत को छोड़कर देवी पार्वती के साथ काशी नगरी में आकर रहने लगे थे और काशी नगरी में आने के बाद भगवान शिव यहां एक ज्योतिर्लिंग के रूप में स्थापित हो गए। तभी से काशी नगरी में विश्वनाथ ज्योतिर्लिंग ही भगवान शिव का निवास स्थान बन गया। काशी विश्वनाथ ज्योतिर्लिंग किसी मनुष्य की पूजा तपस्या से प्रकट नहीं हुआ, बल्कि यहाँ शिव ही विश्वनाथ के रूप में प्रकट हुए थे। काशी विश्वनाथ मंदिर हिंदू मंदिरों में बहुत ही पुराना मंदिर है। इस मंदिर के ऊपरी हिस्से पर स्वर्ण लेपन होने के कारण इसे स्वर्ण मंदिर भी कहते हैं। इस पर महाराजा रणजीत सिंह ने अपने शासनकाल के दौरान स्वर्ण लेपन करवाया था। मंदिर के अंदर चिकने काले पत्थर से बना हुआ शिवलिंग है और इस मंदिर के ठीक बगल में ज्ञानवापी मस्जिद है। विश्वनाथ मंदिर में श्रृंगा उत्सव का आयोजन भी होता है। हम आपको बता दें कि काशी विश्वनाथ में होने वाली आरती पूरी दुनिया में प्रसिद्ध है और यहां दिन में 5 बार आरती आयोजित की जाती है। मंदिर को रोज सुबह भोर में 2:30 पर खोल दिया जाता है। बाबा विश्वनाथ के मंदिर में सुबह की आरती के साथ पूरे दिन में 4 बार आरती होती है। भक्तों के लिए मंदिर को सुबह 4 से लेकर 11 बजे तक खोला जाता है, फिर आरती होने के बाद दोपहर 12 बजे से शाम 7 बजे तक दोबारा श्रद्धालु मंदिर में पूजा कर सकते हैं। शाम 7 बजे सप्तऋषि आरती का वक्त होता है
उसके बाद 9 बजे तक श्रद्धालु मंदिर में आ जा सकते हैं। 9 बजे भोग आरती शुरू की जाती है और इसके बाद श्रद्धालुओं के लिए मंदिर में प्रवेश करना मना हो जाता है। रात 10:30 बजे शयन आरती का आयोजन किया जाता है और मंदिर रात 11 बजे बंद कर दिया जाता है। सावन के महीने में यहाँ दर्शन करने से लाभ मिलता है तथा इस दौरान जल चढ़ाने से बाबा प्रसन्न भी होते हैं। ये भारत का सबसे महत्वपूर्ण शिवलिंग है और यहाँ का शिवलिंग जो चिकने काले पत्थर से बना हुआ है, काशी नगरी में प्राण त्यागने से मोक्ष की प्राप्ति होती है और कहते हैं कि भगवान भोलेनाथ मरते समय इंसान के कान में तारक मंत्र का उपदेश करते हैं, जिससे मरने वाला व्यक्ति देश दुनिया के मोहमाया से निकलकर मोक्ष को पा लेता है। काशी विश्वनाथ मंदिर के द्वार साल भर खुले रहते हैं और दुनिया भर से भक्त भगवान का दर्शन करने के लिए यहाँ आते हैं। यहाँ होने वाली आरती के नज़ारे का दृश्य देखने लायक होता है। अगर आपने कभी यहाँ की आरती को देखा है तो यकीनन आप इस मनमोहक दृश्य को भूल नहीं सकते हैं। विश्वनाथ के ठीक बगल में मौजूद ज्ञानवापी कुएं के बारे में कहा जाता है कि जब औरंगजेब मंदिर को ध्वस्त करने की खबर लोगों तक पहुंची, तो विनाश से शिव की ज्योतिर्लिंग को बचाने के लिए उसे कुएं में छिपा दिया गया था। ये कुआं आज भी यहाँ मस्जिद और मंदिर के बीच में स्थित है और अगर आप भी बाबा विश्वनाथ मंदिर दर्शन करने जाएं तो ये कुआं आप जरूर देखें। जो लोग इस मंदिर में सच्ची श्रद्धा से ज्योतिर्लिंग के दर्शन करते हैं उन्हें मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। भगवान शिव को इस काशी नगरी और यहाँ के निवासियों का संरक्षण माना जाता है और ऐसा कहा जाता है कि काशी में 9 के 9 ग्रह अपनी मर्जी से कुछ नहीं कर सकते हैं। एक कथा ये भी है कि भगवान शनि जब शिव को ढूंढते हुए काशी आए थे तो मंदिर में 7.5 सालों तक प्रवेश नहीं कर सके थे। जब कभी भी आप काशी विश्वनाथ दर्शन के लिए जाएंगे तो आपको मंदिर के बाहर शनिदेव के मंदिर के दर्शन अवश्य होंगे। इस मंदिर में काले पत्थर से बने शिवलिंग को चांदी से मढ़ा हुआ है और ये शिवलिंग इस मंदिर के पवित्र जगह पर स्थापित है। यहाँ दक्षिण में एक लाइन में 3 धार्मिक स्थल हैं और ये शिवलिंग इस मंदिर के पवित्र जगह पर स्थापित है। यहाँ दक्षिण में एक लाइन में 3 धार्मिक स्थल हैं और इस मंदिर के आसपास 5 लिंगों का एक समूह है, जिससे ये पूरी तरह से नीलकंठेश्वर मंदिर कहलाता है। शिव पुराण के अनुसार रोग से पीड़ित स्त्री या पुरुष, युवा हो या बुजुर्ग, मोक्ष की प्राप्ति के लिए यहाँ जीवन में एक बार अवश्य आता है। यहाँ पर आने वाला हर श्रद्धालु भगवान विश्वनाथ के सामने अपनी इच्छा को प्रकट करता है। काशी नगरी भगवान शिव की प्रिय नगरी मानी जाती है। हर हर महादेव, घर घर महादेव का नारा काशी नगरी के लिए ही किया जाता है। हम आपको बता दें कि काशी नगरी में बाबा विश्वनाथ का नया मंदिर भी बनवाया गया है और इस नए विश्वनाथ मंदिर की स्थापना की कहानी जुड़ी है पंडित मदन मोहन मालवीय जी से, जिसके बारे में कहते हैं कि एक बार मालवीय जी ने बाबा विश्वनाथ की पूजा की थी, तभी शाम के समय उन्हें एक विशालकाय मूर्ति के दर्शन हुए और उस मूर्ति ने मालवीय जी को बाबा विश्वनाथ की स्थापना का आदेश दिया। मालवीय जी ने उस आदेश को भोले बाबा की आज्ञा मानते हुए मंदिर का निर्माण कार्य शुरू करवाया, लेकिन बीमारी के चलते वो इसे पूरा ना करा सके। तब मालवीय जी की इच्छा को जानकर उद्योगपति युगल किशोर बिरला ने इस मंदिर के निर्माण कार्य को पूरा करवाया। इस मंदिर में प्रसाद के तौर पर चढ़े हुए चढ़ावे में प्रसाद, दूध, कपड़े तथा और वस्तुएं गरीबों व जरूरतमंदों को बांट दी जाती हैं। बनारस के घाट पर बना शिव जी का विश्वनाथ मंदिर 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक तो है ही, वहीं दूसरा नया विश्वनाथ मंदिर बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के प्रांगण में बनवाया गया है। नए विश्वनाथ मंदिर के पुजारी कहते हैं कि वैसे तो मंदिर में बाबा का दर्शन करने वाले हजारों श्रद्धालु प्रतिदिन आते हैं, लेकिन सावन के महीने में
भक्तों की संख्या कई गुना बढ़ा दी जाती है। वहीं मंदिर में लगी देवी देवताओं की भव्य मूर्तियों का दर्शन कर लोग अपने आप को धन्य महसूस करते हैं। वहीं मंदिर के आसपास आम के बगीचे की हरियाली एवं मोर की आवाजों से भक्त भाव विभोर हो जाते हैं। काशी नगरी दुनिया के सबसे पुराने शहरों में से एक है और इसे शिव की नगरी के रूप में जाना जाता है। काशी विश्वनाथ मंदिर न केवल हिंदुओं की आस्था का प्रतीक है, बल्कि यह इस धर्म के अनुयायियों के लिए पवित्र स्थलों में से एक है। इतिहास में मौजूद तमाम विविधताओं और टकराव की परिस्थितियों के बावजूद काशी विश्वनाथ मंदिर किसी भी विवाद से परे है। काशी विश्वनाथ का मंदिर वास्तुशिल्प के लिए एक नया उदाहरण है, जो ये आध्यात्मिक तो है ही, इसके साथ ही चमत्कारिक भी है। तो अब मुझे दीजिए इजाजत, हम फिर हाजिर होंगे एक ऐसे ही रोचक जानकारी के साथ। तब तक के लिए आप देखते रहिए नेक्स्ट 9 स्पिरिचुअल। नमस्कार।